दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहाँ राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है।
इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं।
जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं। अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं। अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया
और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे।
राहुल एक खुश दिल और मस्त मौला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मौला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मौला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में
और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई।
साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में
हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं।
लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं।
जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया
और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे।
राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में
और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई।
साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई, जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में
हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती हैं। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं,
अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया। रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं। अभिनेता शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी। फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप पूरा देखोगे।